आने वाले टाइम में अभी 400 रुपये किलो बिक रहा है, तो यानी कि 300 रुपये अभी नहीं तो 250 रुपये भी। पौधे मरना भी बंद हो गया, प्लस यहाँ पे पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। देखिए पोषक तत्व तो मिट्टी से खींचना नहीं चालू करते तब तक हमको वो पौधे को ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि सही टाइमिंग से सही दवा का स्प्रे करना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी का एक शिकायत होता है कि आप सभी का जितने भी फसल होते हैं छोटे अवस्थे में क्यों मरना चालू कर जाते हैं, वो पीलेपन हो जाते हैं, जड़ गल जाते हैं, प्लस वहाँ पे ब्राउन ब्राउन धब्बे यानी कि मिट्टी रंग के धब्बे पत्ते में दिखना चालू हो जाते थे। आज हम बताने वाले कि मटर की फसल में जो मटर हमारे छोटे अवस्थे में यानी कि मरने लगते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसके लिए सही दवा क्या देना है। तो यहाँ पे आज हम दिखाएंगे कि आज हमारे मटर में सेकेंड स्प्रे होने वाला है, और सेकेंड स्प्रे के साथ साथ पौधे देखिए कि पिछले बार यानी कि जो फर्स्ट स्प्रे हुआ था उससे क्या रिजल्ट है, क्या सुधार हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा पिछले बार जो हमारा रिजल्ट हुआ था तो वो काफी बेहतर रिजल्ट दिया। यहाँ पे जो पौधे मरना भी बंद हो गया, प्लस यहाँ पे पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके, देखिए एक बीता का प्लस पौधे हो चुके हैं यहाँ पे सभी तरफ पौधे हो चुके। प्लस यहाँ पे एक और बीमारी है जो कि सेम बीमारी है, एक और बीमारी नहीं बोल सकते, सेम बीमारी है जो कि इसी तरह का बीमारी वो बार बार आता है, यानी कि जब तक वो पौधे मेच्योर यानी कि जब तक पौधे वो खुद से पोषक तत्व मिट्टी से खींचना नहीं चालू करते तब तक हमको वो पौधे को ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि सही टाइमिंग से सही दवा का स्प्रे करना पड़ता है। नहीं तो आप सभी का जितने भी मटर की खेती की है तो वो नुकसान जाने वाला है और वो काफ़ी जल्दी पौधे सारे मर के खत्म होने वाले। तो यहाँ पे एक और बीमारी देखिएगा, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम जस्ट देखे थे, यहाँ पे देखिए इस तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं ये पीलापन पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा तरह से पीलापन पड़ गया, तो इसमें जब तक स्प्रे नहीं पड़ेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा और ये पीलापन मर के पीलापन मतलब होकर ये पौधे पूरी तरह से मर जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये पौधे यहाँ पे देखिए ये जड़ काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है। ये जड़ में देखिए ब्राउन धब्बे, आप सभी को ब्राउन ब्राउन दाग दिखना चालू हो गया होगा। अच्छे से हम दिखाने की कोशिश करते हैं अभी आप सभी को कि यहाँ पे देखिए कि ये आप सभी को यहाँ पे ये जो काले काले धब्बे यानी कि ब्राउन धब्बे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जड़ पीलापन पौधे इस कारण से हुए जो कि जड़ ही नहीं बनेगा तो पौधे की ग्रोथ कहाँ से होगी। तो यहाँ पे ये फंगस लग चुका है इस पौधे में, तो इस पौधे को अभी हम खेत से बाहर फेंकेंगे। और प्लस यहाँ पे आज हम बताएंगे कि दवा कौन सा आप सभी को इस्तेमाल करना है जो कि मटर के इस तरह की जो बीमारी को ख़त्म करेगी। और मटर आने वाले टाइम में अभी 400 रुपये किलो बिक रहा है, तो यानी कि 300 रुपये अभी नहीं तो 250 रुपये भी पकड़ लोगे रेट, तो काफ़ी बेहतर रेट है और उसके साथ साथ आप सभी को अधिक मुनाफा और अधिक फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो खास इंपॉर्टेंट है मटर की फसल में, मटर के पौधे को मरने से और फंगस से कैसे बचाए सेकेंड स्प्रे में, तो आज हमारे यही टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारे मटर की फसल में हम स्प्रे लेने वाले, पिछले बार हम दिखाए थे सफाया रिवाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेकंड स्प्रे आप सभी को चेंज कर करना है। एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल करने से वो बीमारी कंट्रोल में नहीं होती और ज़्यादा बढ़ने में लगी हुई रहती है, तो इस कारण से आप सभी को दवा को एक्सचेंज करना। तो आज हम लोग रेडीमेड गोल्ड इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी एक तरह का फंगसाइड है, जैसे फफूंद फंगस जैसे भी जितने भी तरह के पौधे में बीमारी यानी कि छोटे अवस्थे में होते हैं, जैसे कि जड़ गलना, पत्ते पर ब्राउन धब्बे आना, पौधे मुरझा के मर जाना, प्लस जो शीत से हानिक प्रभाव पड़ती है तो वो भी इससे प्रोटेक्ट मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडमिन गोल्ड का, और आज हम लोग मटर में पहला बार रेडमिन गोल्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं सेकेंड डोज। तो आज फटाक से निकालते हैं, मात्रा बताते हैं कि कितना आप सभी को देना है। इसमें 4 पाउच निकलता है, तो 4 पाउच में हम लोग 2 पाउच पहले यूज कर चुके हैं, टमाटर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। प्लस यहाँ पर आज हम लोग मटर में आज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मटर में इस्तेमाल करने के लिए हमारा पास यहाँ पे एक पैकेट और बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके 2 पैकेट निकलता, तो आज ये हाफ पैकेट मटर में जाएगा और हाफ पैकेट फिर अगले नेक्स्ट स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको आधा निकालते हैं और आधा इसको हम पूरा तरह से घोलेंगे अच्छे से, क्या यही जो है रेडीमेड गोल्ड का है जो पैकेट निकलता है, 2 पैकेट निकलता है छोटा छोटा, ठीक है। ये आप 18 लीटर और 15 लीटर के बीच में आप आधा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इतना फुल ढक्कन कर लेना ऊपर से और आपको पूरा डाल देना है। ये एक टंकी का स्प्रे होगी और एक टंकी का स्प्रे आपके पास दवा का मात्रा बचा हुआ रहेगा। तो ये आप नेक्स्ट स्प्रे आप कभी भी आपको लगे का पौधा उस तरह फिर से प्रभाव दिख रहा है या शीत गिर रहा है तो आप एक टाइम फिर से स्प्रे ले सकते हैं सेकेंड यानी कि सेकेंड मात्रा डोज चला कर। तो उस तरह करके आप वापस स्प्रे ले सकते हैं। तो अभी हम इसको वापस डाल रहे हैं और यही हम पिछले बार रिवाइव का इस्तेमाल किए थे जो कि मटर में ही हुआ था, तो इस बार हम लोग दवा को चेंज कर दिए हैं पूरे तरह से।
यानी कि सेकंड, और वो थोड़ा कम मात्रा समझ जाइए है तो ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा से, तो ये बीमारी आपकी जल्द से जल्द रिकंट्रोल में हो जाएगी। इसको अच्छे से फेंट लेना है क्योंकि पाउडर फॉर्म में रहता है तो फेंटना जरूरी है। अगर आप नहीं फेंटोगे तो वो पानी वाइट वाइट दिखेगा, अगर आप अच्छे से फेंट लोगे तो आपको पानी सत्तू की तरह, यानी कि सत्तू का घोल जैसे तैयार होता है उस तरह आपका ये घोल तैयार हो जाएगा। तो फटाक से हम लोग इसको फेंटते हैं, और आप तब तक हमारी वीडियो में लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक कवर करते हैं, प्लस वहाँ पे हम इलाज दिखाते हैं प्लस रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो बेहतर है कि आप सभी हमारी वीडियो देखते हैं और उसके बाद इलाज करते हो, तो आप सभी को भी रिजल्ट जल्द से जल्द और कम कीमत में हम कोशिश करते हैं कि इलाज करने का। तो यहाँ पे अभी फेंट लिए हैं दोस्तों, और हम दिखाते हैं कि सत्तू का घोल कैसे हम तैयार किए हैं। यहाँ पर ये सत्तू का घोल है, तो ये सत्तू का घोल नहीं है, ये हमारा दवा जो कि आप सभी को दिख रहा होगा सत्तू का घोल जैसा, ठीक है। तो ये हमारा दवा है, अब चलते हैं फटाक से हम स्प्रे लेना चालू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग स्प्रे करना चालू कर दें, और कोशिश करना आप सभी को पौधे के नज़दीक करके दें, जो पौधे उस तरह पूरी तरह से भीग जाएंगे। और इसमें एक और है कि आपके जैसे पौधे, कुछ पौधे पीलेपन जैसे कि दिख रहा है, तो उस तरह आपके पौधे भी वो पीलेपन से हटेंगे और वो पौधे हरे भरे दिखेंगे, और पीलापन वाला भी रोग इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आज हमारा ये सेकंड स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे तो हमारा रिवाइव हुआ था, उसके बाद सेकंड स्प्रे ये चल रहा है हमारा इलाज। तो दोस्तों जब भी आप स्प्रे ले रहे होंगे तब आप शाम को देखिएगा, कोशिश करना है कि शाम को स्प्रे लें और अच्छे मात्रा से, यानी कि भिना कर, यानी कि पूरा डुबा कर पौधे में देना है। किसी तरह की ये नहीं कि पौधे में कम दावा देकर आपको निकल जाना, ऐसे नहीं करना है। पौधे में जितने मात्रा है उतने मात्रा आप जरूर लगाएं, तो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। आप कम दवा देते हो या अधिक दवा देते हो तो रिजल्ट आगे पीछे और गड़बड़ा सकते हैं। तो आपको बस ध्यान देना है कि दवा का मात्रा सही रखकर, आप पानी की मात्रा सही रखकर सही टाइमिंग से देना है। और ये हमारा सेकेंड स्प्रे, पूरा ये शेड्यूल एक तरह से बन रहा है हमारा मटर का, सभी फसल का आप कोशिश करेंगे पूरा शेड्यूल बनाने का, क्योंकि जो हर एक फसल का हर एक बीमारी को कवर करेंगे। तो बीमारी अगर नहीं भी आया तो हम उसका वीडियो से बनाएंगे और हो सके दवा बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्प्रे हो गया, काफ़ी मज़ेदार स्प्रे चला, और हमारे यहाँ स्प्रे के साथ साथ हमारा सेकंड जो बिजाई हुआ था वो भी पौधे जर्मिनेट हो चुका है, और उसमें भी स्प्रे ले लिया, यानी कि उसमें फर्स्ट और इसमें सेकंड स्प्रे चला, काफ़ी बेहतर है। अब इसके बाद जो भी पौधे हैं वो हमेशा ग्रोथ में लगेंगे, और इसके बाद जो ये मिट्टी में जो नमी दिख रही है, नमी हटने के बाद यहाँ पर निकाई गुड़ाई के डायरेक्ट काम चलेगा, और ये खरपतवार हटाने के बाद यहाँ पर सिर्फ बेसल डोज के बाद यहाँ पर आज से खाद डलाएगा, यानी कि जो हमारा निकाई गुड़ाई के बाद फिर फर्स्ट खाद यहाँ पर लगना चालू हो जाएगा। तो निकाई गुड़ाई करने बाद फिर आप सभी बताएंगे कौन सा खाद लगाना जो कि पौधे जल्द से जल्द तैयार हो और उसमें जल्द से जल्द फल और फलियां आ जाए। तो इसके लिए आप इंतजार करें, और हमारे वीडियो हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि खाद का वीडियो जरूर देखना है ना, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, सही टाइमिंग से आपके तक वीडियो पहुंच जाएगा। तब तक ले जय जवान जय किसान।